हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द हैनकॉक। सो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हमें एक हाईवे दिखाया जाता है, जिस पर कुछ चोर बैंक से चोरी करके अपनी गाड़ी में भागते हुए दिखाए जाते हैं। उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पुलिस लगी होती है और वो चोर पुलिस से बचने के लिए उनकी गाड़ियों पर फायरिंग भी करते हैं। और इसी पकड़न पकड़ाई के बीच हाईवे पर कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अब हमें मूवी का मेन करेक्टर हैनकॉक दिखाया जाता है, जो दारू पीकर पब्लिक चेयर पर सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है कि क्या तुमको टीवी में पुलिस और चोरों की पकड़न पकड़ाई नहीं दिखाई दे रही है। तभी हैनकॉक उसकी बात सुनता है और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हैनकॉक कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, उसके पास सुपर हीरो पावर होती है, जिनका यूज कर हैनकॉक पब्लिक चेयर के पास से उड़ जाता है। हैनकॉक रास्ते में हाईवे पर काफी नुकसान करता है, बट वो जैसे तैसे उन चोरों की गाड़ी में बैठ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। बट वे चोर पुलिस के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं होते। उसकी बातों से चोरों को गुस्सा आ जाता है और वो हैनकॉक पर फायरिंग करने लग जाते हैं। बट क्योंकि हैनकॉक एक सुपर हीरो होता है तो उसे कुछ नहीं होता। बट उस फायरिंग में हैनकॉक का फेवरेट चश्मा टूट जाता है और जिसे देखकर हैनकॉक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हैनकॉक उनकी गाड़ी को हवा में पकड़कर कभी एक बिल्डिंग में तो कभी दूसरे बिल्डिंग पर मारता है, जिससे उन बिल्डिंग्स का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वे चोर हैनकॉक से माफी मांगते हैं, बट हैनकॉक अपने चश्मे का बदला लेने के लिए उन चोरों की गाड़ी को एक बिल्डिंग एक रूफ के नोक में घुसा देता है और वहां से चला जाता है। अब हमें एक पब्लिक न्यूज चैनल को दिखाया जाता है, जिस न्यूज में उस सिटी के लोग हैनकॉक के बारे में गलत बोलते हैं। वे बोलते हैं कि हैनकॉक चोरों को पकड़ने में पुलिस की हेल्प नहीं करता, बल्कि वो लोगों की बिल्डिंग को लॉस पहुंचाता है। सो हैनकॉक को इस सिटी से बाहर निकाल देना चाहिए। अब हैनकॉक को एक पब में एक लड़की मिलती है, जो हैनकॉक जैसे सुपर हीरो से पहली बार मिली थी, और वो हैनकॉक के साथ फ्लर्ट करती है। और कुछ ही देर बाद हैनकॉक उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर में ले जाता है। क्योंकि हैनकॉक एक सुपर हीरो होता है तो वो लड़की हैनकॉक के साथ इंटीमेट होकर वहाँ से डर के कारण वहाँ से भाग जाती है। अब मूवी का सीन एक बिल्डिंग पर चेंज होता है, जहाँ पर कई लोग एक ऑफिस में मीटिंग करने के लिए बैठे होते हैं। उनमें से एक पर्सन जिसका नाम रे होता है, उन सभी मेंबर्स को अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन उनके सामने देते हुए बोलता है कि हमारी कंपनी जिसका नाम ऑल हार्ट है, उसका मोटो यह है कि हम जितना हो सके उतना पैसा और वो टीका जो आपकी कंपनी ने बनाया है उन जरूरतमंदों को प्रोवाइड कराया जाए जिनको इनकी जरूरत है, वो भी बिल्कुल फ्री। इसी टॉपिक पर काफी देर तक डिस्कशन होती है और रे वहाँ से चलकर अपने घर की तरफ अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी एक ट्रेन क्रॉसिंग के बीचों बीच होती है, तभी हमें एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। रे हॉर्न को प्रेस करता है, बट कोई भी पर्सन उसके हॉर्न की आवाज को नहीं सुनता और इग्नोर कर देता है। ट्रेन और रे की कार का एक्सीडेंट होने ही लगता है, तभी वहाँ पर हैनकॉक आ जाता है और रे की जान बचा लेता है। बट ऐसा करने से उस ट्रेन के कई सारे डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और सभी लोग हैनकॉक को गालियाँ देने लगते हैं, जिस पर रे उनको बोलता है कि हैनकॉक आप सभी के लिए बुरा होगा, बट मेरे लिए ये एक फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि इसने मुझे मरने से बचाया है। रे हैनकॉक को अपने घर लंच के लिए ले जाता है और वहाँ पर हैनकॉक रे की वाइफ मैरी और उसके बेटे एरन को देखता है। रे का बेटा हैनकॉक का बहुत बड़ा फैन होता है और वो हैनकॉक को बताता है कि उसके स्कूल में एक लड़का उसको तंग करता है, जिस पर हैनकॉक उसको बोलता है कि तुम्हें उस लड़के की सबके सामने पिटाई करनी चाहिए। जिस पर एरन की माँ मैरी हैनकॉक को बोलती है कि तुम मेरे लड़के को गलत आदतें मत सिखाओ, क्योंकि एरन अभी बच्चा है। और मैरी एरन को वहाँ से ले जाती है। हैनकॉक उनके साथ लंच कंप्लीट कर उनके घर से जाने लगता है, तभी रे हैनकॉक को बोलता है कि लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और तुम्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए, ताकि लोग तुम्हें अपना आइडियल माने और तुम्हारे फोटोग्राफ लें। रे हैनकॉक को अपनी कंपनी के बारे में बताता है कि मैं एक सोशल वर्कर हूं जो लोगों की जिंदगी में कुछ चेंज लेकर आना चाहता हूं। रे उसको अपना कार्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो मुझे फोन कर देना। और ऐसा सुनकर हैनकॉक वहां से उड़कर चला जाता है, जिससे रे के घर के सामने का रोड खराब हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि हैनकॉक शहर से दूर एक बीहड़ इलाके में रहता है। हैनकॉक सुबह उठकर रे के द्वारा दिए गए कार्ड को देखता है और वहां से उड़कर रे के घर के सामने लैंड होता है। वहां पर उसे वो लड़का मिलता है जो एरन को तंग करता था। वो लड़का हैनकॉक को बार बार बेवड़ा बोलता है, जिससे हैनकॉक को गुस्सा आ जाता है और हैनकॉक उस लड़के को उठाकर हवा में उड़ा देता है। और कुछ देर बाद वो लड़का आसमान से हैनकॉक के ऊपर गिरता है और वहां से रोते हुए चला जाता है। रे हैनकॉक को अपने घर में ले जाता है और वहां पर हैनकॉक रे की
की कंपनी का लोगो देखता है, जिस पर रे बोलता है कि इससे मुझे दुनिया को बदलना है। रे हैंकॉक को उसके द्वारा किए गए काम की कुछ वीडियोस दिखाता है और उन वीडियोस में उसके द्वारा की गई गलतियों के बारे में बताता है। रे कहता है कि तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों के कारण तुम्हें लोग पसंद नहीं करते और तुम्हें बेवड़ा बुलाते हैं। रे हैंकॉक को कई सुपर हीरो की पिक्स दिखाता है, बट हैंकॉक को कोई भी सुपर हीरो पसंद नहीं आता। तभी उसी टाइम रे की वाइफ एंड सन घर पर आ जाते हैं और मैरी टीवी ऑन करती है। हमें टीवी में दिखाया जाता है कि सरकार ये चाहती है कि हैंकॉक अपने आप आकर सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो कई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान और करेगा। रे हैंकॉक को बोलता है कि यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब तुम लोगों को अपनी वैल्यू महसूस करा सकते हो। नेक्स्ट डे हैंकॉक सबके सामने अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देता है और सभी से उसके द्वारा की गई गलतियों के बारे में माफी मांगता है। अब हैंकॉक को एक जेल में लेकर आया जाता है, जहां पर आते ही दूसरे मुजरिम उसको घेर लेते हैं, बट उनमें से दो मुजरिम उसका रास्ता नहीं छोड़ते, जिस पर हैंकॉक एक मुजरिम का सीन दूसरे मुजरिम के बैक में घुसा देता है। ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब नेक्स्ट डे रे हैंकॉक के पास आकर बताता है कि कोर्ट ने तुम्हें 8 साल कैद में रखने का फैसला किया है, जिसे सुनकर हैंकॉक वहां से जाने ही लगता है। तभी रे उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि जब बाहर लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें अपने आप बाहर बुला लिया जाएगा, और उसकी बातें सुनकर हैंकॉक वहीं पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रे जेल में डेली आकर हैंकॉक को अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए टिप्स देता है, और अब हैंकॉक जेल में सभी के साथ बास्केटबॉल भी खेलता है, बट उसके साथियों को उसके साथ खेलने में मजा नहीं आता था क्योंकि हैंकॉक इजीली गोल कर देता था। हैंकॉक जेल में कई लोगों की मीटिंग्स में बैठकर लोगों की बातें सुनता था, बट अपनी बारी आने पर उनको कुछ भी नहीं बताता था। अब हम रेडियो की हेल्प से सुनते हैं कि शहर में दिन ब दिन क्राइम का रेट बढ़ रहा होता है क्योंकि हैंकॉक जेल में होता है। अब हम देखते हैं कि जेल के अंदर हैंकॉक लोगों को समझता है और उनकी फीलिंग को महसूस भी करता है और वॉल पर कई प्रकार की ड्राइंग भी करता है। अब हैंकॉक को जेल में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। रे हैंकॉक के लिए एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम लेकर आता है, जिसे हैंकॉक पहनने से मना कर देता है, और इन्हीं कुछ दिनों में हैंकॉक उस जेल से भागने की कोशिश भी नहीं करता। एक दिन जेल के कैदी उसे अपने मन की बात बाहर निकालने को बोलते हैं, जिस पर हैंकॉक बोलता है कि मेरा नाम हैंकॉक है और मैं एक बहुत ही बड़ा शराबी हूँ, जिसे सुनकर सभी लोग उस पर तालियां बजाते हैं कि तुमने अपने बारे में कुछ बताया तो सही। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जब एक गार्ड हैंकॉक को बोलता है कि पुलिस चीफ कमिश्नर को तुम्हारी जरूरत है। उसकी बात सुनकर हैंकॉक शेव करता है और तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग पर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था और उस बिल्डिंग में चारों तरफ एक्सप्लोजन लगा दिए थे। पुलिस और चोरों में गोलीबारी चलती है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते हैं। तभी वहां पर मूवी का सुपर हीरो हैंकॉक एक बिल्डिंग पर सेफली लैंड होता है और रे के द्वारा सिखाई हुई बातों को याद करता है और सभी पुलिस वालों को उनके काम के लिए शाबाशी भी देता है। हैंकॉक देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि हैंकॉक उस लेडी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक हाथ से गाड़ी को उठाकर उस लेडी ऑफिसर को गोलियां लगने से बचाते हुए सेफ प्लेस पर ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हैंकॉक एक एक कर सभी टेररिस्ट को उस बिल्डिंग में से उठाकर वहां से ले जाता है और कुछ ही देर बाद मेन टेररिस्ट के सामने आ जाता है। हैंकॉक उसको पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए बोलता है, बट वो टेररिस्ट हैंकॉक को एक रिमोट दिखाते हुए बोलता है कि यहां पर चारों तरफ एक्सप्लोजन लगे हुए हैं और अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस रिमोट का बटन प्रेस कर दूंगा, जिससे बिल्डिंग और यहां पर प्रेजेंट सभी लोग ब्लास्ट हो जाएंगे। हैंकॉक दिमाग लगाता है और एक स्टील डिस्क को सीधा कर उसकी हेल्प से उस टेररिस्ट का हाथ काट देता है और एक सुपर हीरो की तरह उस बिल्डिंग में से उस टेररिस्ट के हाथ को अपने हाथ में लेकर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग उससे खुश हो जाते हैं और हैंकॉक उस रिमोट को एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में दे देता है। रे इस सारी घटना को टीवी में देखता है और उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। अब हमें उसी नाइट का सीन दिखाया जाता है, जब हैंकॉक रे एंड मैरी एक बहुत बड़े होटल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। वहां पर रे मैरी से मिलने की स्टोरी को हैंकॉक को बताता है। रे हैंकॉक को उसके बारे में पूछता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, जिस पर हैंकॉक बताता है कि मैं मियामी का रहने वाला हूँ और एक दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था और वहाँ पर मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया और उस दिन से पीछे की जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और वो बोलता है कि इस बात को लगभग 80 साल बीत गए हैं, बट तुम सोचोगे कि मैं 80 साल का लगता तो नहीं। हैंकॉक बोलता है कि मेरी उम्र कभी नहीं बढ़ती। हैंकॉक अपनी स्टोरी को बताते हुए काफी दुखी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हैंकॉक रे को उठाकर उसके घर में उसके कमरे में छोड़ देता है और नीचे मैरी के पास आ जाता है। मैरी और हैंकॉक में काफी बातें होती हैं और मैरी हैंकॉक को किस करती है, बट तभी मैरी उसको
धक्का देती है जिससे हैंकॉक घर की दीवार को तोड़कर बाहर गिरता है। मैरी हैंकॉक के पास जाकर उसे बोलती है कि ये बात रे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब नेक्स्ट डे रे उठकर देखता है कि उसका घर टूटा हुआ है, जिस पर मैरी बोलती है कि कल रात हैंकॉक को एक छींक आई थी जिसके कारण हमारे घर में इतना बड़ा छेद हो गया था। कुछ देर बाद वहाँ पर हैंकॉक आ जाता है और रे से बातें करता है। हम देखते हैं कि रे के पास एक फोन कॉल आती है और हैंकॉक उसके पीछे मैरी की पावर को चेक करता है और पाता है कि मैरी भी एक सुपर हीरो है। हैंकॉक मैरी को उसके घर पर मिलने के लिए बुलाता है और मैरी उसकी बात से राजी हो जाती है। अब हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर तीन कैदी हैंकॉक के बारे में बातें करते हैं और उससे बदला लेने के लिए एक टीम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैरी हैंकॉक के पास आती है और हैंकॉक मैरी से पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन किस क्यों किया था, जिस पर मैरी हैंकॉक को बोलती है कि मैं और तुम दोनों भाई बहन हैं। बट हैंकॉक कहता है कि मुझे ये बात नहीं पछती कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि अगर तुम मेरी बहन होती तो तुम मुझे कभी भी किस नहीं करती। हैंकॉक वहां से उड़कर रे के पास जाने ही लगता है तभी मैरी अपनी सुपर पावर का यूज कर हैंकॉक को रोकती है। मैरी हैंकॉक को बताती है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ और अपनी पावर का प्रदर्शन करती है। और दूसरी तरफ रे एक ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और अपनी कंपनी का मोटो मीटिंग मेंबर्स के साथ शेयर करता है। अब हम देखते हैं कि उस शहर का मौसम खराब हो जाता है और हैंकॉक और मैरी के बीच में लड़ाई होती है और उसी लड़ाई के दौरान वे उस बिल्डिंग जिसमें रे होता है उससे टकरा कर एक जगह पर आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैरी देखती है कि उन दोनों को लड़ते हुए रे देख लेता है, जिसको देखकर रे काफी दुखी हो जाता है। रे वहां से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर अपने घर वापस आता है और वहां पर मैरी रे और हैंकॉक को बताती है कि हैंकॉक और मैं दोनों सुपर हीरोज हैं और वो बताती है कि हम दोनों की तरह यहां पर कई सुपर हीरो एग्जिस्ट करते थे, बट हम सभी सुपर हीरो को एक कर्ज है कि अगर हम एक दूसरे के पास रहेंगे तो उनकी कुछ सालों बाद डेथ हो जाएगी। वो बताती है कि 300-400 साल पहले हैंकॉक और मैंने शादी की थी और हम दोनों एक साथ ही रहते थे, बट 200 साल बाद वहां पर कुछ दंगे हुए और जिसमें हैंकॉक को सिर पे चोट लग गई थी और जिससे उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। मैं उससे मिलने हॉस्पिटल में गई थी बट हैंकॉक को कुछ भी याद नहीं था और मैं वहां से इस शहर में आई और मुझे वहां पर रे मिला। मैंने यहां पर आकर अपनी जिंदगी उसी के साथ बिताने का निर्णय लिया। मैरी कहती है कि मैं और हैंकॉक लास्ट सुपर हीरो का जोड़ा है, जिस पर हैंकॉक वहां से गुस्सा होकर एक शॉप में जाता है जहां पर उसकी कुछ गैंगस्टर से लड़ाई हो जाती है और उसी लड़ाई के बीच हैंकॉक को एक गोली लग जाती है और हैंकॉक वहां पर बेहोश हो जाता है। हैंकॉक को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और कुछ ही देर बाद मैरी हैंकॉक के पास जाकर उसके साथ बातें करने लग जाती है और बोलती है कि मैं अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और कुछ ही देर बाद रे और एरन वहां पर आकर मैरी को हैंकॉक के पास बैठे हुए देखते हैं। हैंकॉक वहां पर कुछ गैंगस्टर को देखता है तभी एक गैंगस्टर फायरिंग करता है और वो गोली मैरी को लग जाती है और जिससे मैरी घायल हो जाती है। हैंकॉक उन सभी गैंगस्टर से लड़ाई करने लग जाता है और हैंकॉक रे और एरन को एक साइड में छिपने के लिए बोलता है। हैंकॉक एक एक कर सभी गैंगस्टर को मारने लगता है बट तभी एक गैंगस्टर हैंकॉक पर फायरिंग करता है और जिससे हैंकॉक बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ मैरी की तबीयत खराब होती हुई दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि गैंगस्टर हैंकॉक को भला बुरा बोलता है बट उसी टाइम एक टूल की हेल्प से रे उस गैंगस्टर का दूसरा हाथ भी काट देता है। अब हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जब हमें लगता है कि हैंकॉक और मैरी दोनों की डेथ हो चुकी है, बट हैंकॉक मैरी को याद कर गिरते पड़ते उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और रोड पर चला जाता है। हैंकॉक वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ता है जिससे मैरी का हार्ट बीट रेट दोबारा से शुरू होने लगता है। हैंकॉक गिरते पड़ते वहां से काफी दूर चला जाता है और जिससे मैरी को होश आ जाता है। अब हमें इस सीन से ये पता चलता है कि हैंकॉक और मैरी के बीच में एक कनेक्शन ये था कि वो एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर रहेंगे वे दोनों उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जब रे मैरी और एरन के साथ एक बीच पर घूमने के लिए आया हुआ होता है और उसी टाइम रे के पास हैंकॉक का फोन आता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूं और हैंकॉक उससे ऊपर की तरफ देखने को बोलता है। रे ऊपर की तरफ देखता है कि हैंकॉक ने चांद पर उसकी कंपनी का लोगो बना दिया था, जिसे देखकर रे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें हैंकॉक को एक बिल्डिंग पर बैठे हुए दिखाया जाता है जहां से उड़कर वो लोगों की हेल्प करने के लिए चला जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगे हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।